क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19 एक बार समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19 सेम कंडीशन के हैं, जबकि क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं इन तीनों को आपको एक साथ सॉल्यूशन दिला दूं ताकि आप जल्दी से इसको बना लें। क्वेश्चन नंबर 16 को देख करके आप समझिए, इनवर्स के रूप में आप समझिएगा तो आपको साइन और कोस के लिए 1 - x² चाहिए थे, टेन या कोट के लिए 1/1 + x² चाहिए थे, जबकि कहीं न कहीं सेक और कोसेक के लिए आपको x√(x²-1) इस फॉर्म में आपको चाहिए थे। तो ये तीनों जो प्रश्न है से आप देखिए कोसेक और सेक पर इम्प्लाइज हो रहा है, यह भी और यह भी, यानी क्वेश्चन नंबर 16, 18, 19। क्वेश्चन नंबर 17 भी इसी पे इम्प्लाइज होगा, बट उसको मैं आपको अलग से मान रख के बनाना होगा। तो उस प्रश्न को मैं तुरंत वीडियो में उपलब्ध करा दे रहा हूँ, पहले इन दोनों तीनों को देखा जाए। तो आप समझ गए होंगे कि इनमें हम लोग को सेक या कोशेक मानना होगा। तो आप सेक कोशेक इसमें तो सिंपली मान सकते हैं, इसमें देखिए 9 के फॉर्म में है, तो अभी हम कहे थे कि अगर मतलब आप 9 है तो 3 के रूप में मानिए, अगर 4 है तो 2 के रूप में मानिए, 16 है तो 4 के रूप में मानिए, 25 है तो 5 के रूप में मानिए, अगर 9 है तो 3 के रूप में मानेंगे। फिर यह तो आपको सिंपली है, ऐसे ही बना लीजिएगा आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 16 को पहले देखा जाए, सेक और कोसेक मानेंगे तो लेट आप एक्स बराबर मान सकते हैं सेक थीटा, आपको इच्छा हो तो आप कोसेक भी मान सकते हैं। तो इसको डीसी करेंगे तो डी एक्स बराबर सेक थीटा क्या देगा, डिफरेंशिएशन सेक थीटा इंटू टेन थीटा देता है, आपको याद होना चाहिए सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, इसका मान प्राप्त होगा। अब हमको डी एक्स का वैल्यू मिल गया, अब आई बराबर चलेंगे तो आई बराबर देखिए आपको डी एक्स है तो डी एक्स की जगह पर यह वैल्यू आ जाएगा आपको सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, अगर एक्स की वैल्यू रखें तो सेक थीटा √(x) की जगह पर फिर से वैल्यू रख दें तो आपको हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, आई में देखिए आई के जगह पर डी एक्स था तो डी एक्स का वैल्यू आपको यह है, एक्स के जगह पर सेक थीटा सेटा रख दिया √(sec²-1) क्योंकि इसके एक्स के जगह पर रखा। अब आप देखिए ऊपर में फिर से छोड़ दीजिए तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा आ जाएगा, सेक थीटा के आप सेक थीटा छोड़ दीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन यानी सेक स्क्वायर दूसरी ओर गया तो आपको टेन स्क्वायर थीटा होगा। इस सूत्र को देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वन, तो इस वन को इधर लाए हैं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन टेन स्क्वायर थीटा होगा, तो टेन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या देगा टेन थीटा, इस तरह से टेन आपका कैंसिल हो जाएगा देख लीजिए, तो पूरा के पूरा मान कैंसिल हो जा रहा है, टेन से टेन भी कैंसिल सेक से सेक भी कैंसिल, ऊपर में और नीचे में आपको बराबर बच गया। तो इस तरह से आपको प्राप्त हो गया आई बराबर आपको क्या मिल गया कट करके आपको मिल गया डी थीटा, और डी थीटा को इंटीग्रेट करिएगा तो आपको आएगा थीटा प्लस सी, और थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकाल लीजिएगा थीटा का वैल्यू अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या होगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, इस तरह से 16 का आपको हल हो जाता है प्रश्न। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को इसी हिसाब से आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको अभी जस्ट ही बताया था लेट क्या मानिएगा एक्स बराबर, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए 18 लेट एक्स बराबर मानेंगे, एक्स बराबर अभी बात किए थे कि 9 के रूप में है तो मानेंगे 3 सेक थीटा, तो इसको डिफ्रेंशिएट करिएगा तो 3 के 3 रहेगा और सेक थीटा के देगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा प्राप्त होगा, और आई बराबर चलेंगे तो आई बराबर देखिए आपको सॉरी थोड़ा 18 के प्रश्न को देख रहे हैं अबर से माफ कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 आपको इस तरह से दिया गया कि e^2x है, e^2x है तो आप इसको 18 के ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन लेकर के आप लिख सकते हैं e^x dx बटा में √ देखिए e^x इंटू e^x-9, अब आप इसको e^x 9 के रूप में तो मानेंगे लेट, यह प्रश्न को इस तरह से लिखा जा सकता है लेट e^x बराबर
आप सेक मानते तो सेक थीटा, परंतु नौ के रूप में तो क्या मानना होगा, थ्री सेक थीटा आपको इस हिट में भी दिया गया है, ऐसे आप मान सकते हैं। और इसको डीसी करिएगा तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स बराबर थ्री के थ्री रहेगा, सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए आई बराबर यदि चलेंगे तो आई बराबर चलने से हमें क्या मिलेगा, ध्यान दें ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर यह आ जाएगा थ्री सेक थीटा इंटू टेन थीटा, और बट्टा में ई टू दी पावर एक्स क्या थ्री सेक थीटा, थ्री सेक थीटा फिर ई टू दी पावर एक्स के थ्री सेक थीटा माइनस में नौ, यह पूरा मान आपको रूट में दिया गया है। इस तरह से अगर आगे चलेंगे हम लोग तो आगे चलेंगे तो देखिए आगे बचेगा और थ्री सेक थीटा, थ्री सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, थ्री सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब प्रश्न मिटा दे रहे हैं और नीचे मान देखिए तीन तरीके नौ रूट अंडर नौ सेक स्क्वायर थीटा माइनस नौ, अगर हम लोग ऊपर में फिर से छोड़ दे थ्री सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और नौ अगर कॉमन ले ले, देखिए नौ कॉमन ले ले तो आपको क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और फिर से अगर थ्री सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा, और इस नौ का वर्गमूल थ्री सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के वर्गमूल टेन मान होगा टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा का मान क्या टेन थीटा। तो इस तरह से टेन कैंसिल हो गया, थ्री से थ्री कैंसिल हो गया, आपको क्या बच गया सेक थीटा इंटू डी थीटा। आप इसको फिर से मान आप जानते हैं सेक थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फॉर्म क्या होता है, सेक थीटा डी थीटा क्या होता है लॉग मॉड सेक थीटा प्लस में टेन थीटा प्लस में सी। अब देखिए लॉग के लॉग छोड़ दीजिए, सेक थीटा के जगह पर आपने आपको थ्री सेक थीटा चाहिए ना, तो यहाँ सेक थीटा का मान निकाल लीजिए ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा। सेक थीटा के मान निकालेंगे, देखिए सेक थीटा का मान होगा ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री, ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री, और प्लस में अगर मान निकालेंगे हमको टेन थीटा चाहिए है, तो आप टेन थीटा के मान सेक स्क्वायर थीटा को बदलिए, तो टेन थीटा के मान सेक स्क्वायर थीटा में क्या होगा सेक थीटा माइनस सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर टेन रूट अंडर होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस में सी, और लॉग के लॉग छोड़ देंगे ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री। अब ध्यान देंगे अब हम लोग लिख रहे हैं सेक स्क्वायर थीटा, फिर सेक स्क्वायर थीटा के वैल्यू यही मान निकालेंगे तो ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री होगा ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री के होल स्क्वायर माइनस में वन। यहाँ देखिए आपने सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू रख दिया, एक बार इस प्रश्न को समझे, इस बात को समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन आपने लिखा टेन थीटा की जगह सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक थीटा के यहाँ से मान निकालेंगे तो ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री, तो ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री के होल स्क्वायर माइनस वन के माइनस वन बचा रह जाएगा। इस तरह से लॉग के लॉग छोड़ दिए हमने ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री, अब यहाँ से अगर मान निकालेंगे तो ध्यान दीजिए यह क्या हो जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स बटा तीन तरी के नौ माइनस में क्या होगा वन, और प्लस में सी। अगर इसको आप लघुत्तम ले लेंगे लॉग ई टू दी पावर एक्स बाय थ्री प्लस में, देखिए प्लस में हो जाएगा ई टू दी पावर टू एक्स माइनस नौ बट्टा नौ प्लस में सी। अब इस मान को आप लघुत्तम लेकर के छोड़ सकते हैं, लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा लॉग होगा, देखिए नौ तीन का लघुत्तम क्या होगा, चलिए ऊपर लिख देता हूँ इस मान को, इस मान को एक बार आप ऊपर आकर के समझ लेंगे, यहाँ से लॉग के लॉग छोड़ देंगे और ये लघुत्तम हो जाएगा आपको नौ, और तीन बार में कटेगा तो थ्री ई टू दी पावर एक्स प्लस में ई टू दी पावर टू एक्स और माइनस में नौ प्लस में सी।
इस तरह से यह एक मेहमान है। अब इसको लॉग देखिए, इन लॉग को एक बार समझिए, लॉग एम बटा एन, तो लॉग एम बटा एन के हम लोग लिख सकते हैं लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बटा लॉग एन तो होगा लॉग एम बटा एन के लॉग एम, तो लॉग एम के जगह पर होगा थ्री ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर टू एक्स माइनस नौ माइनस लॉग नौ प्लस में सी। अब यह एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, यह कॉन्स्टेंट है, यह भी कॉन्स्टेंट है, तो ये कॉन्स्टेंट कोई ना कोई इसका मान आता है, आपको पता है कि लॉग नाइन का कोई वैल्यू होता है तो कॉन्स्टेंट होगा, ये भी कॉन्स्टेंट होगा, तो यह खाली आपको बच जाएगा लॉग थ्री ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर टू एक्स माइनस नौ और प्लस में सी। दिस इज योर आंसर। आपको यहाँ भी आंसर हो सकता है, यहाँ भी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 तो शायद लॉग ई टू दी पावर एक्स प्लस में ई टू दी पावर टू एक्स माइनस नौ, ठीक है, आप इसका सोल्यूशन करके मान निकाल लीजिए, बाकी आप बुला ले सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा वीडियो आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 19 भी देख लेते हैं, आप लोग के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 तो आसानी से आप बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19, डी एक्स बटा ए टू दी पावर टू एक्स माइनस वन। अब आप उसी तरह इसको एक बार हल करके लिख लें, डी एक्स बटा रूट अंडर ए टू दी पावर एक्स इंटू ए टू दी पावर एक्स माइनस वन। अब आप जान रहे हैं कि स्क्वायर यानी रूट कोसेक या सेक के रूप में होगा, तो लेट मान लीजिए ए टू दी पावर एक्स बराबर सेक थीटा, डीसी करेंगे तो ई के पावर एक्स डी एक्स बराबर सेक के होगा सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा। अब आप आई बराबर अगर चलेंगे तो आई बराबर अगर आप चलिएगा तो देखिए आपको चाहिए केवल डी एक्स का वैल्यू, केवल डी एक्स का वैल्यू, तो इस वैल्यू को नीचे भेजना होगा, तो अभी डी एक्स बराबर आप लिख सकते हो क्या, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा ई टू द पावर एक्स। अब आई बराबर चल रहे हैं, नाउ आई बराबर अगर चलेंगे, आई बराबर देखिए आई आपको दिया है डी एक्स, तो डी एक्स का वैल्यू आपने इतना निकाला, सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा अपॉन ई टू द पावर एक्स। अब अभी dx का मान आपने लिखा, अब इसका मान आपको लिखना है, तो इसका मान आप देखिए क्या लिख रहे हैं रूट में, e टू दी पावर x, तो e टू दी पावर x के आपने माना है sec x, फिर e टू दी पावर x, तो sec x माइनस में वन। अब आप इसको देखिए sec थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा में e टू दी पावर x रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, और यहाँ चलिएगा तो सेक थीटा इंटू टेन थीटा डी थीटा बटा ई टू द पावर एक्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर से टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूल क्या टेन थीटा, इसे ही कैंसिल हो गया, आपको आपको बच गया देखिए बचा आपको वन बटा ई टू द पावर एक्स इंटू सेक थीटा जी थीटा, चूंकि यहाँ डिफ्रेंशिएट करना था, यह आपको कॉन्सोनेंट है तो आप इसको छोड़ सकते हैं और वन बटा ई टू द पावर एक्स। डिग्रेट लगाते आएंगे और वन बटा ई के पावर वन बटा ई सेक थीटा जी थीटा, और देखेंगे वन बटा ई के वन बटा ई वन बटा ई टू दी पावर एक्स को वन बटा ई टू दी पावर एक्स छोड़ दिया।
अब यहाँ से अगर sec थीटा के हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो होता है log mod sec थीटा इंटू sec थीटा प्लस में tan थीटा प्लस में c और 1 बटा ए टू दी पावर x log। अब sec थीटा आपको चाहिए, sec थीटा के मान ए टू दी पावर x प्लस में tan थीटा के मान चाहिए, तो tan थीटा के पहले आप बदल दीजिए। tan थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट अंडर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस में c और देखिए 1 बटा ए टू दी पावर x log ए टू दी पावर x और sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा के फिर आपने रखा है रूट अंडर देखिए e टू दी पावर x यानी 2x माइनस 1 प्लस में c। अब आप चाहे तो यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं या इसको गुना करके आप लिख सकते हैं या log m प्लस log n को log m इंटू log n भी लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 sec इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c, sec इनवर्स e टू दी पावर x इंटीग्रेशन sec थीटा यहाँ कट गया आपको sec थीटा इंटू tan थीटा d थीटा e टू दी पावर x sec स्क्वायर थीटा का हो गया tan स्क्वायर tan स्क्वायर sec थीटा d थीटा। तो sec थीटा d थीटा के हम लोग लिखते हैं sec थीटा e टू दी पावर x sec थीटा d थीटा के हो गया आपको sec थीटा e टू दी पावर x sec थीटा e टू दी पावर x log sec थीटा प्लस tan थीटा। क्वेश्चन नंबर 19 sec इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c e के पावर x, तो e के पावर x बराबर निकालेंगे तो sec इनवर्स थीटा बराबर निकाल लेंगे चलिए इस प्रश्न के साथ आंसर में कहीं त्रुटि हो रहा है एक बार देख लेंगे, आगे की वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा देखेंगे, आपको आंसर यहीं पे दिया गया है, आपको आंसर यहीं मिलाया गया है, आप पूरा सॉल्यूशन शुरू से करते आए पूरा मान, लेकिन आंसर के लिए इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं हो, अगर जाते हैं तब पर भी सही है, आपको आंसर यहीं पे मिला दिया गया है। जैसा कि आपको प्रश्न यह बचा है देख पा रहे हैं e टू दी पावर, एक बार देख लीजिए प्रश्न इस तरह से था, तो e टू दी पावर x के हमने sec माना, e के पावर x dx से sec इंटू tan थीटा बराबर इतना आ जाएगा। अब मान से चले हैं तो i बराबर dx का sec tan e टू दी पावर x, इसमें चले sec माइनस 1 या भी आपको आएगा sec स्क्वायर का tan थीटा देगा, इससे ही हमने काट दिया था, आपको बच गया sec थीटा d थीटा बटा e टू दी पावर x। परंतु यहाँ e टू दी पावर x को अगर मान बैठा दिया जाए ऐसे देखिए 1 बटा e टू दी पावर x, e टू दी पावर x को आप क्या माने हैं sec थीटा, e टू दी पावर x को आपने माना है sec थीटा, e टू दी पावर x को आपने माना sec थीटा और यहाँ आपको बचा है sec थीटा इंटू d थीटा, तो इससे ही कैंसल हो गया, तो कैंसल हो जाने के बाद आपको क्या बच गया केवल इंटीग्रेशन बच गया d थीटा और d थीटा का वैल्यू क्या निकालेंगे थीटा प्लस c और थीटा के वैल्यू अगर यहाँ से निकाल देंगे तो हो जाएगा sec इनवर्स e टू दी पावर x प्लस c और दिस इज योर आंसर। यहीं पे आपको आंसर दिया गया, उतना करने की आवश्यकता नहीं, अगर करेंगे भी तब पर भी आपको सही माना जाएगा। आप सावधानी से सीखें, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं आपके लिए निरंतर वीडियो बनाता रहूं और सिलेबस आपका जारी रहे।